नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू चैट। कीचड़ में खिला कमल, परिषदीय विद्यालय मदा खेड़ा बना प्रेरणा का केंद्र। चितपद उन्नाव में प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नित नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग सरकार के आदेशों को किस प्रकार पालन करता है, इसका जीता जागता उदाहरण जनपद उन्नाव के अनेक विद्यालयों में बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। कई विद्यालयों के आसपास गंदगी का साम्राज्य देखने को मिल सकता है। सरकार की मंशा है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे कॉन्वेंट की पढ़ाई की तर्ज पर छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा को उजागर करना विद्यालय के शिक्षकों का परम कर्तव्य है। कि समाचार जेट के संवाददाता पवन सिंह ने जब भिलौली के प्राथमिक विद्यालयों के विषय में जानकारी के लिए प्राथमिक विद्यालयों में दस्तक दिया तो हकीकत कुछ और ही निकल कर आई। आदेश फरमान सभी विद्यालयों के लिए एक जैसे, लेकिन पढ़ाई और शिक्षा के नाम पर शून्य। ऐसे में विकासखंड हिलौली की ग्राम सभा हिलौली का मजरा मदा खेड़ा ऐसा गांव है जहां पर शाम ढलते ही वहां के लोग अंगूर की बेटी पर सवार होकर आस पड़ोस में जमकर उत्पात मचाते हैं। ऐसे में मदा खेड़ा विद्यालय में तैनात शिक्षकों के लिए विद्यालय के रख रखाव, वहाँ की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई एक बहुत बड़ी चुनौती दिखाई पड़ रही थी। मदाखेड़ा प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक के अथक प्रयास और जुनूनी कार्य करने की क्षमता का परिणाम मदाखेड़ा जैसे छोटे गांव से गांव में विद्यालय का रख रखाव, सुंदरीकरण, मॉडल स्कूल का जो चित्र निकल कर आया वह पूरे जनपद में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का जनरल नॉलेज भी काबिले तारीफ है। समाचार टू जेट के लिए उन्नाव से पवन सिंह की रिपोर्ट। समाचार एटीजेट में आपका स्वागत है। विकास खंड हिलौली जनपद उन्नाव का वह विकास खंड है जहां पर चर्चा रहती थी कि विद्यालय में पढ़ाई को लेकर के जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा दी गई थी, प्रसिद्ध विद्यालयों में उस व्यवस्था को कहां तक जीवंत किया गया, उसकी हम रियलिटी चेक करने आज पहुंचे हैं। हम आपसे बात करेंगे यहाँ के विद्यालय के अध्यापकों से, यहाँ के विद्यालय के बच्चों से, और यहाँ का रख रखाव और यहाँ की जो सुंदरता है इसमें कोई गुरेज नहीं, कोई शंका नहीं है कि जनपद का नंबर एक विद्यालय, सूत्रों से जानकारी हुई है कि यहाँ जनपद का नंबर एक विद्यालय हिलौली विकासखंड का एक ऐसी गांव सभा में जिस गांव सभा में साफ सफाई तो दूर, जंगल व्यवस्था, जंगली व्यवस्था यहाँ पर थी और उसमें से निकल करके ऐसा मानो जैसे कीचड़ में कमल खिल गया हो, ऐसे यहाँ के अध्यापकों के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, जो बच्चों के अंदर जो जज्बा निखारने का काम किया गया है वो आपको सीधा इसमें देखने को मिल सकता है। आइए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारे बीच में एक मास्टर साहब हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इसके पहले यहाँ की क्या व्यवस्था थी। मास्टर साहब इधर आ जाइए थोड़ा सा। मास्टर साहब क्या नाम है आपका? वाजपेयी जी, ये बताइए आप का निवास कहाँ पड़ता है? अच्छा, तो आप शिक्षा मित्र के पद पर हैं, जहाँ पर आज आपकी पोस्टिंग है ये विद्यालय जो आज दिख रहा है इसके पहले कैसा था? इतना अच्छा नहीं था, गुणवत्ता तो थी लेकिन साज सज्जा विद्यालय की अच्छी नहीं थी, इतना कि मास्टर साहब के माध्यम सहयोग, स्टाफ सहयोग इतना सुंदर हुआ है। इसका मैं व्याख्या करता हूँ, पूरे जनपद में भी ऐसा मैंने विद्यालय नहीं देखा। अच्छा, इसके रख रखाव के लिए क्या सरकार की तरफ से अलग मद आया है कि ये मद सभी विद्यालयों के लिए बराबर आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये हमारे प्रधान शिक्षक की देन है, अपने व्यक्तिगत पैसे से उन्होंने अपना ये विद्यालय देखा। अभी आपने देखा है कि शिक्षा मित्र महोदय श्री वाजपेयी जी ने ये बताया कि प्रधान शिक्षक ने अपने मद से भी जो है पैसा खर्च करके यहाँ का जो डेकोरेशन किया है, यहाँ जो विद्यालय में आप देख सकते हैं कि पर्दे की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और समय पर फल फ्रूट की व्यवस्था, ये सब कुछ उपलब्ध कराते हैं। और हम कुछ बच्चों से भी जानकारी करना चाहेंगे। क्या नाम है, किस गाँव में रहते हो? अच्छा, किस क्लास में हो? पहाड़े आते हैं? कितने तक आते हैं? 15 का सुनाओ। 15, 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
बताइए क्या करते हैं? सभी बाहर काम।
अच्छा, तो आप मजदूरी करते हैं? अच्छा, तो कुछ पूछा जाए, जानकारी है भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, रक्षा मंत्री हमारे देश का कौन है? निर्मला सीतारमण। वेरी गुड, निर्मला सीतारमण। अच्छा हमारे उत्तर प्रदेश में गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? थैंक यू, बैठो। अभी आपने देखा है कि यहाँ जनरल नॉलेज में भी बच्चों को जो है अच्छी खासी जानकारी दी जा रही है, पढ़ाई के विषय में भी नॉलेज दिया जा रहा है, और आशा करते हैं कि जो और सारे प्रसिद्ध विद्यालय हैं इसी तर्ज पर काम करेंगे। इन्हीं तमाम सारी जानकारियों के लिए मैं धीरेन्द्र सिंह पवन, समाचार। मस्तब विद्यालय में आप कब से पोस्ट हैं? सर्वप्रथम तो मैं A to Z समाचार प्लस को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा इस विद्यालय का प्रधान शिक्षक होने के नाते, आप हमारे विद्यालय में पहुँचे और हमारे विद्यालय की भौतिक सुविधाओं, बच्चों के शैक्षिक स्तर को जाना परखा। हमारे पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस विद्यालय में मेरी पोस्टिंग प्रधान शिक्षक के पद पर 5 मई 2015 को हुई है। इस विद्यालय में हमारे, आपकी पोस्टिंग के पहले विद्यालय की स्थिति क्या थी? हमारी पोस्टिंग के पहले इस विद्यालय का भौतिक परिवेश बहुत अच्छा नहीं था। हम जहां पर खड़े हुए हैं, हमारे दाहिने तरफ जो ये खाली मैदान दिख रहा है, यहां पे लगभग 2 फुट ऊंची घास हुआ करती थी, और हमारे बाएं तरफ इधर जो है बड़े कुश की घास हुआ करती थी। हमारा पूरा विद्यालय परिवार जो है स्वयं परिश्रम करके फावड़ा खुरपी ले करके आज जो भी आपके सामने दिख रहा है, हमारे पूरे विद्यालय परिवार के सदस्यों की ये मेहनत थी जो आज ये भौतिक धरातल पर दिख रहा है। अच्छा, क्या विद्यालय के रख रखाव और सुविधा के लिए सरकारी धन मुहैया होता है? निश्चित रूप से शासन की तरफ से विद्यालय का जो है रख रखाव प्रबंधन के लिए धनराशि आती है। विद्यालय विकास अनुदान के नाम पर शासन की तरफ से 5,000 रुपये, रंगाई पुताई के लिए 9,500 रुपये के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि विद्यालय में प्रेषित नहीं होती है शासन स्तर पर। लेकिन इस वर्ष शासन जिस तरह से विद्यालय में रख रखाव हुआ है, साफ सफाई दिख रही है, विद्यालय को इतना सजा दिया है, बच्चों में इतना जो है क्वालिटी मेंटेन कर दिया है, इससे तो लग रहा है पैसा बहुत अधिक खर्च हुआ होगा, कैसे इसको बैलेंस करते हैं? जी, देखिए हम लोग आज जिस क्षेत्र में हैं, कहा जाता है कि शिक्षा का जो क्षेत्र होता है उससे पूरे समुदाय को ही नहीं बल्कि पूरे देश को लाभ मिलता है। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोग एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इस कारण मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मेरे विद्यालय परिवार ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है शारीरिक श्रम, इसके अलावा धन की भी जहाँ ज़रूरत पड़ती है हमारा पूरा विद्यालय परिवार सहयोग करता है, और आज उसी का नतीजा है कि आपको कुछ नया दिख रहा है। बाकी जितने प्रसिद्ध विद्यालय चल रहे हैं उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? संदेश मेरा सभी के लिए सिर्फ यही है कि देखिए जो भी काम हम करें उसे अपना मान के करें तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और बेहतर होगा, उसमें और निखार होगा। जी धन्यवाद।